Students, are you able to see the screen? Yes. Okay. Yes, displacing indigenous people. अब क्या हो रहा था? जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के देश के लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह किया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था या खुद से वो शिफ्ट हो रहे थे. इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, अब है चैप्टर नंबर 10. दिस चैप्टर रिकाउंट्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द नेटिव पीपल्स ऑफ अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया. इसके अंदर हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे. ठीक है, और थीम 8 में हमने पढ़ा था स्पेनिश और पोर्चुगीज कॉलोनाइजेशन के बारे में जो साउथ अमेरिका के द्वारा हुआ था. ठीक है, 18 सेंचुरी से कुछ एरियाज जो हैं जैसे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो वहाँ के जो इमिग्रेंट्स थे वो सेटल हुए थे. ठीक है, जो यूरोप से बिलोंग करते थे. ठीक है, लोग वो इन एरियाज में जा कर के सेटल हुए थे. अब इससे क्या हुआ था, कई सारे नेटिव लोग जो हैं उनको दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट होना पड़ा था. जो वहाँ पे इस कंट्रीज़ के लोग थे उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा था. क्या होता था पहले के ज़माने में, जब एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरी तरफ लोग भाग जा रहे होते थे तो कई लोग वहीं शिफ्ट हो जाते थे, सेटल हो जाते थे वहीं पर. जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर कई सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, कई सारे लोग हैं, कई विभिन्न तरह के कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी आपको कई तरह के लोग देखने को मिलेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग दूसरी कंट्री से आकर के शिफ्ट हो जाते थे. द यूरोपियन सेटलमेंट्स वर कॉल्ड कॉलोनीज. और जो यूरोपियन सेटलमेंट्स हुआ करते थे उनको कॉलोनीज का नाम दिया जाता था. और कॉलोनीज अधिकतर जो इंग्लिश लोग हैं, यानी कि ये इंग्लैंड के जो लोग हैं, इन्होंने कॉलोनीज का जो है ज़्यादा इन्होंने पॉपुलर किया था इस चीज़ को. यूरोपियन इनहेबिटेंट्स जो हैं क्या जो कॉलोनीज के अंदर रहने लगे थे, ठीक है, वो क्या बोलने लगे थे, यूरोपियन मदर कंट्री. ठीक है, वो अपनी जगह क्या बोलने लगे थे, वो मदर कंट्री के तौर पे जाना जाने लगा था. और ये कॉलोनीज जो है बाद में स्टेट्स की तरह जाने जाने लगी और कंट्रीज की तरह जाने जाने लगी. पहले ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया था. 19th और 20th सेंचुरी के अंदर जो एशियन कंट्रीज थी वहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में गए. ठीक है, जैसे कि यूरोपियंस हुए, एशियंस हुए, ये मेजॉरिटी में थे, इनकी कंट्रीज ज़्यादा थी. ठीक है, तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, वो लोग कम थे. ये जो यूरोपियन और एशियंस जो हैं जब दूसरी जगह जाते थे तो दूसरी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे कम उनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी. तो इनको अधिक बहुत ही कम देखा जाता था इनके टाउन्स में. ठीक है, और लोग बाग जो है वो पूरी तरह से भूल गए थे कि उन्होंने इस कंट्री को ऑक्यूपाई किया है. ठीक है, ये एक बेसिक आपको छोटा सा वो दिया गया है यहाँ पर कि कौन सी कंट्री के लोग कहाँ गए, वहाँ पे कैसे बस गए और वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है. ठीक है, स्पेशली उनके जो नेटिव जो ये लैंड है जहाँ पे उनका रहते हैं वो लोग, उस जगह से रिलेटेड. फिर दे आर हार्डली सीन इन द टाउन्स एंड पीपल हैव फॉरगॉटन दैट दे वंस ऑक्यूपाइड मच ऑफ द कंट्री. उनको बहुत ही कम देखा जाता था टाउन में और लोगों को, बाकी लोग जो थे वो भूल गए थे कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ऑक्यूपाई किया है. एंड दैट द नेम्स ऑफ मैनी रिवर्स, टाउन्स एक्सेट्रा डिराइव फ्रॉम नेटिव नेम्स. और इसीलिए कई सारे वहाँ पर रिवर्स, टाउन्स के नाम जो हैं वो लिए गए हैं उनकी नेटिव जगह से, जैसे ओहायो, मिसिसिपी, सियाटल यूएसए के अंदर, सैस्केचुआन इन कैनेडा, एंड वोलोंगोंग एंड पैरामिटा इन ऑस्ट्रेलिया. ये वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उन्हीं के नामों पर ये जगहों के नाम पड़ गए हैं. ठीक है, समझ आया? अब यूरोपियन इम्पीरियलिज्म क्या है? द अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल did not expand after the 17th century. American empires जो थी जैसे कि स्पेन और पोर्चुगल, ये क्या हुआ था 17th century के बाद में ये आगे नहीं फैली थी, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी. From that time, other countries, France, Holland and England, began to extend their trading activities and establish colonies in America, Africa and Asia. Ireland also was virtually a colony of England, as the landowners there were mostly English settlers. हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरीके से एक जो इंग्लैंड है, हॉलैंड और स्कॉटलैंड, हमने ये सारे नाम पढ़े थे तब भी, कि ये कैसे अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत काफ़ी अपनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ा रहे थे, ट्रेड बढ़ा रहे थे बाकी कंट्रीज से. ठीक है,
तो ये क्या कर रहे थे, इन्होंने अपना जो यहाँ के लैंड ओनर्स होते थे वो अधिकतर इंग्लिश सेटलर्स की कैटेगरी में आते थे, यानी इंग्लिश लोग जो सेटल हो रहे हैं उनकी कैटेगरी में आते थे ये लोग, ठीक है। तो ये अपनी कॉलोनीज को बढ़ा रहे थे और ये अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा रहे थे। जब ये व्यापार करने के, अब इंडिया के अंदर ये लोग कैसे आए थे, एक एग्जाम्पल लेकर के चलें तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने क्या बोला था, हम यहाँ पर इंडिया में आएंगे और हम आपके साथ में व्यापार करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना रूल बनाना शुरू कर दिया हर चीज़ में, और फिर वो राज करने लग गए इंडिया के ऊपर, उन्होंने अपने गवर्नमेंट शुरू कर दी, धीरे धीरे उन्होंने पैर पसारे अपने। उसी तरीके से ये बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी इन्होंने यही सब किया है, इस्टेब्लिश करना शुरू करा। पहले तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ शुरू करी, यानी कि हम व्यापार करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज वहाँ पर इस्टेब्लिश करने लगे, अपने अपने पैर वहाँ पर पसारने लग गए। अब वो अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तो था ही, और आयरलैंड जो था वो भी एक ऐसा देश था, मतलब एक ऐसी चीज़ मानी जा रही थी जो कि इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, और वहाँ पर लैंड ओनर्स जो थे वो अधिकतर क्या थे, जो वहाँ पे जमींदार लोग रह रहे थे वो सारे इंग्लिश सेटलर्स ही थे। फ्रॉम द 18th सेंचुरी इट बिकेम ऑब्वियस दैट वाइल इट वॉज द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट विच ड्रोव पीपल टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज, देयर वर सिग्निफिकेंट वेरियंस इन द नेचर ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश। 18th सेंचुरी से लोगों को ये समझ में आ गया, ऑब्वियस चीज़ होने लग गई इनके लिए कि प्रॉफिट के लिए ही नहीं, ये बाकी चीज़ों के लिए भी वहाँ पर अपनी कॉलोनीज इस्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो थी कंट्रोल करने के हिसाब से भी ये लोग उस पर्टिकुलर जगह को कंट्रोल करने के हिसाब से भी ये वहाँ पर अपने सेटलमेंट्स लगाने लगे थे। इन साउथ एशिया ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देमसेल्व्स इनटू पॉलिटिकल पावर्स, डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड एनेक्स देयर टेरिटरीज। जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था साउथ एशिया के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने लेकर के आए थे, धीरे धीरे ये करने तो आए थे व्यापार, व्यापार करते करते पॉलिटिकल पावर्स के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगे, इंटरफेयर करने लगे, वहाँ के लोकल राजाओं को हराने लगे और उनकी टेरिटरीज़ यानी उनके जो एरिया होता था, किंगडम होता था, उन पर उनको हथियाने लग गए थे, उन पर कब्जा करने लग गए थे। दे रिटेन द ओल्डर वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स। ये क्या करने लगे थे वहाँ पर, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी ऑफिस वगैरह उन्होंने इस्टेब्लिश करने लग गए थे और टैक्स कलेक्ट करने लग गए थे वहाँ के जमींदारों से। लेटर दे बिल्ड रेलवेज टू मेक ट्रेड ईजियर, एक्सकेवेटेड माइंस एंड इस्टेब्लिश बिग प्लांटेशंस। बाद में इन्होंने क्या करा, रेलवेज जो है उसको भी इस्टेब्लिश कर ली, क्योंकि हमने पढ़ा था ब्रिटेन के अंदर जो कि अपना इंग्लैंड है उसके अंदर इन्होंने रेलवेज कैसे इन्वेंट करी थी। जब ये दूसरे देशों से व्यापार कर रहे थे तो वहाँ पर भी जाकर के इन्होंने रेलवेज बिछा दी जिससे आसानी से व्यापार हो सके। धीरे धीरे उनकी माइंस जो है वहाँ पर जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर इन्होंने रेलवेज बिछाई, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ की माइंस को एक्सकवेटेड यानी कि वहाँ पे वो खोदा शुरू करी, उन्होंने खुदाई शुरू करी, वहाँ से सामान निकाल के निकालने लगे और धीरे धीरे बड़े बड़े प्लांटेशंस यानी इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी लगा ली। इन अफ्रीका यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन द कोस्ट एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका एंड ओनली इन द लेट 19th सेंचुरी डिड दे वेंचर इन टू द इंटीरियर। अफ्रीका के अंदर यूरोपियंस जो है वो सिर्फ जो कोस्टल लाइन्स होती थी वहीं पर ट्रेड कर पाते थे और साउथ अफ्रीका में वो नहीं कर पा रहे थे, और लेट 19th सेंचुरी के बाद में ये अंदर इस कंट्री के साउथ मतलब अफ्रीका के अंदर भी ट्रेड कर पाए। बाकी तो पहले क्या वहाँ पे सिर्फ व्यापार कर पाते थे जो कोस्टल एरियाज होते थे वहीं पे। आफ्टर दिस द सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज रीच एन अग्रीमेंट टू डिवाइड अप अफ्रीका एज कॉलोनीज फॉर देमसेल्व। कुछ समय बाद में यूरोपियन कंट्रीज जो है एक अग्रीमेंट पे पहुंची कि अफ्रीका को वो कॉलोनीज में बांट देंगे। द वर्ड सेटलर इज यूज फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका। ये शब्द का प्रयोग करते हैं जो लोग साउथ अफ्रीका में बस गए थे, ठीक है, डच लोगों के लिए बोला जाता है सेटलर, और द ब्रिटिश इन आयरलैंड, ब्रिटिशर्स जो आयरलैंड में रहते हैं उनके लिए, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियंस इन अमेरिका। ये सारे ब्रिटिश जो ब्रिटिश आयरलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी रहे उनके लिए, और यूरोपियंस जो अमेरिका में उनके लिए क्या बोला जाता है सेटलर, क्योंकि ये वहाँ के प्रॉपर नेटिव नहीं थे, ये दूसरी जगह से आए हुए थे। The official language in these colonies was English, except in Canada, where French is also an official language. ये ध्यान में रखेंगे आप कि official language जो हुआ करती थी इन colonies की वो अधिकतर English हुआ करती थी, लेकिन Canada के अंदर French जो है वो official language होती थी। अब names given by Europeans to the countries of the New World। अब Europeans के द्वारा जो countries थी उनको world को नाम दिया गया। America first used after the publication of the travels of Amerigo Vespucci,
ये नाम अमेरिका जो है पहली बार जो ट्रेवल पब्लिश हुआ था, एक ट्रेवलॉग अमेरिगो वेस्पुसी, उसके बाद में यूज़ किया गया, उसमें यूज़ किया गया था। फिर कनाडा, ये निकला था फ्रॉम कनाडा, विलेज इन द लैंग्वेज ऑफ द हूरोन इराकीज इज हर्ड बाय द एक्सप्लोरर जैक्स कार्टियर इन 1535 के दौरान कनाडा यूज़ किया गया। ये विलेज के लिए कनाटा शब्द से निकला है, ठीक है, जो हूरोन इराकीज की वर्ड था उसका मतलब था विलेज। ऑस्ट्रेलिया 16th सेंचुरी, नेम फॉर लैंड इन द ग्रेट सदर्न ओशन, ऑस्ट्रल इन लेटिन फॉर द साउथ। लेटिन भाषा में साउथ जो दिशा होती है उसको ऑस्ट्रल बोला जाता है, इसीलिए वहाँ के एरिया जो है उस एरिया को सदर्न ओशन वाले एरिया को ऑस्ट्रेलिया ने नाम दिया। कब दिया? 16th सेंचुरी के अंदर। फिर है न्यूजीलैंड, नेम गिवन बाय टस्मान ऑफ हॉलैंड, हु वाज द फर्स्ट टू साइट दीज आइलैंड्स इन 1642। अब ये नाम दिया गया था जो हॉलैंड का तस्मान था, जो वहाँ का राजा था उसके द्वारा, ठीक है, जिसने पहली बार इन आइलैंड्स को देखा था 1642 में। तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं जो किस तरीके से वजूद में आए हैं वो आपने देखा। अब पढ़ेंगे हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में, लेकिन उससे पहले किसी को अगर कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। हेलो ओके okay. द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम द पैसिफिक टू द एटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पैसिफिक ओशन से एटलांटिक ओशन। ये इसके जोग्राफिकल लोकेशन बता दी है इन कॉन्टेक्स्ट विद द ओशंस, ठीक है। वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इज द डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा। स्टिल फर्दर वॉज वेस्ट द सीरिया नेवाडा माउंटेन्स, टू द ईस्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स, द ग्रेट लेक्स, द वैलीज ऑफ द मिसिसिपी एंड द ओहायो एंड द अपालशन माउंटेन्स। अब ये इसके जोग्राफिकल फीचर्स बता दिए हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। रॉकी माउंटेन्स जो है वो एरिजोना के डेजर्ट और नेवाडा के डेजर्ट तक फैली हुई है। फिर उसके बाद सीरिया नेवाडा माउंटेन्स हैं, ईस्ट में ग्रेट प्लेन्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, मिसिसिपी वैलीज हैं, ओहायो है, ठीक है, और अल्पाशन माउंटेन्स भी हैं। टू द साउथ ऑफ मेक्सिको 40% ऑफ कैनेडा इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। मेक्सिको के साउथ में कैनेडा पड़ता है, जहाँ पे 40% कैनेडा जो है वो फॉरेस्ट से कवर है, यानी जंगल ही है वहाँ पे। ऑयल गैस मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन मैनी एरियाज। अब ऑयल गैस और मिनरल रिसोर्सेज कई सारे एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, विच एक्सप्लेन्स द मैनी बिग इंडस्ट्रीज इन द USA एंड कैनेडा। इसका ही कारण है, ऑयल गैस मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, इसीलिए कई सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं USA और कैनेडा के अंदर। USA और कैनेडा आसपास ही हैं, ठीक है, अलग अलग देश हैं, और कनाडा के अंदर 40% जंगल है। टुडे वीट कॉर्न एंड फ्रूट आर ग्रोन एक्सटेंसिवली एंड फिशिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री इन कनाडा। कनाडा के अंदर वीट कॉर्न और फ्रूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाए जाते हैं, और फिशिंग जो है एक मेजर इंडस्ट्री है कनाडा के अंदर। माइनिंग इंडस्ट्री एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हैव बीन डेवलप्ड ओनली इन लास्ट 200 ईयर्स बाई इमिग्रेंट्स फ्राम यूरोप, अफ्रीका एंड चाइना। माइनिंग हुई, इंडस्ट्री हुई, या बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, ये कब? इन पिछले 200 सालों में जो इमिग्रेंट्स आए हैं यूरोप से, अफ्रीका और चाइना से, उन लोगों ने काफ़ी इसको डेवलप किया है। बट देयर वर पीपल हु हैड बीन लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर द यूरोपियंस लर्न ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन कई हज़ार साल पहले से नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोग रह रहे हैं, ठीक है, जब यूरोपियंस को पता भी नहीं था नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नेटिव वर्ड का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है, एक पर्सन जो रह रहा हो एक पर्टिकुलर जगह में। टिल द अर्ली 20th सेंचुरी द टर्म वॉज यूज बाई यूरोपियंस टू डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्रीज दे हैड कॉलोनाइज। ये शब्द यूज़ किया जाता है यूरोपियंस के द्वारा, जो उन्होंने जब कॉलोनाइजेशन शुरू करा था पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर, तब ये लोग यूज़ करते थे नेटिव, जैसे कि हमारे लोग हैं नेटिव, ठीक है, वी आर नेटिव्स ऑफ इंडिया। द नेटिव पीपल्स, द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम फ्रॉम एशिया ओवर 30,000 years ago ऑन अ लैंड ब्रिज अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट्स, एंड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज 10,000 years ago दे मूव फर्दर साउथ।
सबसे पहले जो इनहेबिटेंट्स आए थे नॉर्थ अमेरिका में रह रहे थे वो कहाँ से आए थे? एशिया से आए थे, करीब 30,000 साल पहले आए थे। ठीक है, एक लैंड ब्रिज, मतलब एक लैंड ब्रिज का मतलब होता है दो कंटिनेंट के बीच में एक एरिया, ठीक है, आने जाने के लिए ब्रिज की तरह जो काम कर रहा है वो, बेरिंग स्ट्रेट्स नाम है उसका, जो बेरिंग स्ट्रेट के पास में है। ठीक है, वहाँ से आए थे। और जब चल रही थी आइस एज, ठीक है, जो कि 10,000 साल पहले जो है हमें मूव करी है साउथ। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, या आपको मालूम होगा कि पहले अर्थ जो थी वो एक पूरा लैंड मास थी, और धीरे धीरे उसके बाद में जब हमारे अलग अलग कंडीशंस आई, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए या अलग चीज़ें हुई हमारी अर्थ में, तब ये देश अलग अलग हुए हैं, तब ये हमारा स्ट्रक्चर जो है अर्थ का अलग अलग देशों का तब डिवीजन हुआ है। पहले ये पूरा एक ही, पूरा सारे जुड़े हुए थे आपस में। आई होप आपको पता हो ये चीज़, पता है आप लोगों को, पढ़ा है आपने इसके बारे में? यस मैम। हाँ जी, तो ये उसी का कारण जो है अलग अलग हुआ है। अब यहाँ पे आइस एज का डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो उससे आप समझ पा रहे होंगे कि पहले ये एक था और फिर इसके बाद में ये अलग अलग हो गए। द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका, एन एरो पॉइंट, इज 11,000 ईयर्स ओल्ड। एक सबसे पुरानी आर्टिफैक्ट चीज़, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका में, मतलब अमेरिका में पाई जाती है, वो करीब 11,000 साल पुरानी है। इसकी कल मैं आपको फोटोज़ निकाल करके दिखा दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज अबाउट 5,000 ईयर्स अगो व्हेन द क्लाइमेट बिकेम मोर स्टेबल। पॉपुलेशन कब शुरू हुई? 5,000 साल पहले की बात है, जब क्लाइमेट कंडीशन जो है बहुत नॉर्मलाइज होने लगी थी, स्टेबल होने लगी थी, क्योंकि इससे पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा, वार्म क्लाइमेट था अर्थ का। दीज पीपल्स लिव्ड इन बैंड्स इन विलेजेस अलॉन्ग रिवर वैलीज। ये लोग बैंड में रहते थे, यानी ग्रुप में रहते थे, और इनके जो गाँव होते थे वो रिवर वैलीज के किनारे होते थे, मतलब नदियों के किनारे के पास में इनके गांव बसे हुए होते थे। दे एट फिश एंड मीट एंड कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड मेज। ये खाते थे फिश और मीट, और ये उगाते थे वेजिटेबल और मेज। दे ऑफन वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज इन सर्च ऑफ मीट, चीफली दैट ऑफ बिसन द वाइल्ड बफेलो दैट रोम द ग्रासलैंड्स। दिस बिकेम ईजियर फ्रॉम द 17th सेंचुरी व्हेन द नेटिव्स स्टार्टेड टू राइड हॉर्सेस व्हिच दे बॉट फ्रॉम स्पेनिश सेटलर्स। अब ये लोग कई बार लंबी यात्राएं भी करते थे मीट की तलाश में, जो बेसिकली ये खाते थे बिसन का, एक तरह की जंगली भैंस होती है, ठीक है, जो ग्रासलैंड्स में घूमा करती थी। और इनको पहले तो ये अपने उस पर ही ट्रैवल करते थे पैरों पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब फ्रेंच सॉरी स्पेनिश सेटलर्स आए थे तो उन्होंने उनसे उन्होंने घोड़े लिए थे, और उसके बाद में ये उसकी तलाश, मीट की तलाश करने के लिए 17th सेंचुरी के दौरान ये इनके लिए आसान हो गया था जब इन्होंने स्पेनिश सेटलर से घोड़े ले लिए थे, ठीक है। बट दे ओनली किल्ड एज मैनी एनिमल्स एज दे नीडेड फॉर फूड। सिर्फ ये उतने ही जानवरों को मारते थे जितने इनको खाने के लिए ज़रूरी है। दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड सिंस दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ सरप्लस दे डिड नॉट डेवलप किंगडम्स एंड एम्पायर्स एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं करते थे, इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे, और ना ही इन्होंने किंगडम्स और एम्पायर्स जो है इस्टेब्लिश करे थे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर। देयर वर सम इंस्टेंसेज ऑफ क्वेरल बिटवीन ट्राइब्स ओवर टेरिटरी बट बाय एंड लार्ज कंट्रोल ऑफ लैंड वॉज नॉट एन इशू। अब क्या होता था, कई बार लड़ाइयाँ हो भी जाती थी टेरिटरीज़ को लेकर के, जो यहाँ पर प्रजातियाँ होती थी, ट्राइब्स रहती थी उनके द्वारा, लेकिन लार्ज कंट्रोल लैंड को लेकर के कभी कोई इशू नहीं हुआ। दे वर कॉन्टेंट विद द फूड एंड शेल्टर दे गॉट फ्रॉम द लैंड विदाउट फीलिंग एनी नीड ऑफ टू ओन इट। अब ये लोग क्या थे, ये लोग सेटिस्फाइड थे एक तरीके से आप समझें तो, इनके पास जितना खाना था, इनके पास जितनी जगह थी उसमें ये सेटिस्फाइड रहते थे। इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है अपने अंडर कर लें और हम उसके हकदार बन जाएं, ऐसी इनकी सोच थी नहीं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर ट्रेडिशन वॉज दैट ऑफ मेकिंग फॉर्मल अलायंसेज एंड फ्रेंडशिप्स एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। और जो इम्पॉर्टेंट फीचर था इन लोगों का वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं और अपने साथ में उनसे गिफ्ट्स जो हैं एक्सचेंज करें, ये इनका मेन ट्रेडिशन था, ठीक है, इनके ट्रेडिशन का मेन फीचर। गुड्स वर ऑब्टेन्ड नॉट बाय बाइंग देम बट एज गिफ्ट्स। और जो सामान है वो कैसे लेते थे, ये बार्टर सिस्टम जैसे आपने इंडिया के अंदर पढ़ा है उसी के तहत यहाँ पर भी जो सामान है ये लोग खरीदते नहीं थे, बस एक्सचेंज करते थे, और कई बार तो उसको गिफ्ट की तरह भी ले लेते थे, मतलब गिफ्ट की तरह भी दे देते थे, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो उसमें? न्यूमरस लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी,
though these were not written down, भले ये लिखी नहीं जाती थी, they believed that time moved in cycles and each tribe has accounts about their origin and their earlier history which were passed on from one generation to the next. इनका मानना था कि समय जो है उसका पहिया चलता रहता है, ठीक है, समय जो है वो रुकता नहीं है, और हर ट्राइब जो है अपनी ओरिजिन के बारे में लिख करके, अपनी जनरेशन से अपनी जो हिस्ट्री है उसको लिख करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करेगी. दे वर स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल एंड वो ब्यूटिफुल टेक्सटाइल्स. ये लोग बहुत हुनरमंद लोग थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत सुंदर टेक्सटाइल जो है वो बुने भी थे. दे कुड रीड द लैंड. ये लैंड को पढ़ लेते थे. दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट. ये क्लाइमेट्स को समझते थे एंड डिफरेंट लैंडस्केप्स इन द वे लिटरेट पीपल रीड रिटन टेक्स्ट. और लैंडस्केप्स जो होते थे उनको भी समझते थे उसी तरीके से जैसे कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझते हैं पढ़ करके, उसी तरीके से ये देख करके ही समझ जाते थे. अब है हमारे पास में यही. इन द 17th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स हु रीच द नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आफ्टर अ डिफिकल्ट 2 month वॉयज रिलीव टू फाइंड The native peoples friendly and welcoming. 17th century के दौरान European traders जब North America, North Coast पहुँचे तो उन 2 महीने की उनका यात्रा थी जो काफ़ी कठिन थी, ठीक है ना. उसके बाद में वो लोग वहाँ नॉर्थ अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वागत करने वाले अच्छे लोग हैं. Unlike the Spanish in South America, who were overcome by abundance of gold in the country, these adventures came to trade in fish and furs, in which they got the willing help of natives who were expert at hunting. अब ये North America के लोग जो हैं मिलनसार माने जा रहे हैं Europeans के द्वारा, ठीक है, और Spanish लोग हैं South America के वो नहीं हैं इतने मिलनसार, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा gold है उस country के अंदर. तो वहाँ के लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फ़िश का ट्रेड हुआ, फर्स हुआ. ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, बस सिंपली बाद में ये बताया गया कि वो लोग क्या क्या ट्रेड करते थे उन लोगों से, साउथ अमेरिकन से, ठीक है, फ़िश और फर का. और कई बार वो नेटिव्स की मदद भी करते थे हंटिंग करने में, जो कि एक्सपर्ट थे, ठीक है. Further south, along the Mississippi River, the French found that the natives had regular gatherings to exchange handicrafts unique to tribe or food items not available in other regions. इन्होंने देखा Mississippi River के किनारे पे कि French लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इनकी proper जो वहाँ के लोग रहते हैं उनकी gatherings होती है जिसमें वो अपने handicrafts का exchange कर रहे हैं, या food items अगर उन आपस में एक दूसरे के कमी पड़ रही है खाने के items की तो वो उस तरीके से वहाँ पर वो भी एक्सचेंज कर रहे हैं. अगर उस रीजन में कोई पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से. इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स द यूरोपियंस गेव देयर नेटिव्स ब्लैंकेट. अब यूरोपियंस उनसे क्या कर रहे थे, लोकल प्रोडक्ट्स ले रहे थे और यूरोपियंस उनको नेटिव ब्लैंकेट्स दे रहे थे, आयरन वेसल्स दे रहे थे, यानी आयरन से बने बर्तन दे रहे थे, विच दे यूज समटाइम्स इन प्लेस ऑफ देयर क्ले पॉट्स. जो वो काय में यूज़ करते थे कई बार अपने क्ले पॉट्स, यानी कि मिट्टी से बने बर्तनों की जगह यूरोपियंस के द्वारा दिए हुए जो आयरन वेसल्स थे उनका प्रयोग करते थे. गन्स विच वॉज अ यूजफुल सप्लीमेंट फॉर बोज एंड एरोज टू किल एनिमल्स एंड अल्कोहल. अब यूरोपियंस तो डेवलप थे, उनके पास में गन्स थी तो वो इनको गन्स भी दे रहे थे. जो किसके बदले में ये लोग यूज़ कर रहे थे, जो इनके तीर कमान होते थे, बोज एंड एरोज जानवरों को मारने के लिए, उसकी बजाय ये गन्स का यूज़ करने लगते थे, और इनको अल्कोहल भी ये लोग दे रहे थे. दिस लास्ट आइटम वॉज Something the natives had not known earlier and they became addicted to it, which suited the Europeans because it enabled them to dictate terms for of trade. अब ये जो last item है यानी कि alcohol, इसके बारे में इन लोगों को पता नहीं था natives को, ठीक है, बाद में ये लोग इसके addict हो गए और ये Europeans के favor में था. ये चीज़ European के favor में थी क्योंकि वो लोग इस चीज़ को लेकर के, जब कोई किसी चीज़ की किसी को लत लग जाएगी तो वो तो फिर कुछ भी अपना देकर के उस चीज़ को पाने की कोशिश करेगा ना. तो इनको ये लत जो नेटिव्स को यहाँ के लगी लत अल्कोहल की, उससे यूरोपियंस को फ़ायदा हो गया और उन्होंने अपने हिसाब से, इन्होंने अपने कानून जो है अपने हिसाब से व्यापार की इन्होंने टर्म्स रखी जो उनको माननी थी, क्योंकि उनको अल्कोहल चाहिए था. द यूरोपियंस अक्वायर्ड फ्रॉम द नेटिव्स एन एडिक्शन ऑफ टबैको. और यूरोपियंस ने क्या वहाँ के लोगों से क्या सीखा, वहाँ पे जो तंबाकू खाने का जो एडिक्शन था वो यूरोपियंस को लग गया. सो ये हमने पढ़े हैं अभी तक कुछ टॉपिक्स. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं आप.
encounters with Europeans? And the native peoples? किसी को कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही मुझे? No, ma'am. Okay. So that's all for today. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आप अपनी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो है निकाल लीजिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम. ओके वेलकम. थैंक यू मैम. वेलकम.